हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज देखेंगे भैया कि कैस्केडलेस शेड्यूल, मतलब पहले हमने देखा था कैस्केडिंग क्या होता है बराबर, लेकिन ऐसा शेड्यूल जिसमें वो कैस्केडिंग फॉलो नहीं होता, वी कैन से इट एज अ कैस्केडलेस शेड्यूल। लेकिन ये कैसे किया हमने, ये कैसे हमने चेंज किया फ्रॉम कैस्केड टू कैस्केडलेस शेड्यूल, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एक ट्रांजेक्शन जो है वो डेटा जो है वो ऐसे ट्रांजेक्शन से रीड कर रहा था जिसने अभी तक कमिट ही नहीं किया था, तो वो जो अबोर्ट का वो जो रोल बैक का जो खतरा था वो T2 एंड T3 के सर पे मंडरा रहा था कि भैया क्योंकि हमने रीड ही ऐसे सोर्स से किया है जिसने अभी तक कमिट नहीं किया है। लेकिन ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि T2 और T3 को ये बोलेंगे कि भैया तुम्हें डेटा रीड करना है ना, यही मोटिव है ना, तो डेटा अगर तुम्हें रीड करना है तो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन से रीड करो जो कमिट हो चुका है। दैट्स इट, ये है सोर्स, ये है मूल मंत्र आपके कैस्केडलेस शेड्यूल का कि भैया T2 को बोलना है कि तुझे अगर T1 से रीड करना है ना, मानता हूं, लेकिन तभी रीड कर जब ये कमिट कर चुका होगा। क्योंकि अगर एक बार इसने कमिट कर दिया, एक बार कमिट कर लिया तो ऑब्वियसली अबोर्ट का, फेलियर का, रोलबैक का सवाल ही नहीं उठता। कमिट कर दिया मतलब खत्म, इसके बाद क्या कर सकते हो तुम, यहां पे वैल्यू रीड कर सकते हो बराबर, तो फिर कोई खतरा ही नहीं है रोल बैक का, क्योंकि यही रोल बैक नहीं होने वाला बराबर। उसके बाद T3 को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई तू T2 से रीड करने वाला है ना, तो जब ये कमिट होगा उसी के बाद तू रीड कर। ये कंडीशन हमको लेके जाती है कैस्केडलेस शेड्यूल के पास। अभी समझ में आया आपको कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो T1 T2 T3 को कुछ इस तरीके से शेड्यूल करो कि अगर कोई डेटा चाहिए किसी दूसरे ट्रांजेक्शन से तो वो ट्रांजेक्शन पहले कमिट होना चाहिए और फिर ही आप उससे डिमांड कर सकते हो कि भैया एक तरीके से आपको क्या करना है, उससे डेटा लेना है, तो पहले कमिट होना चाहिए, कमिट के बाद ही आप डेटा लोगे। तो यहाँ पे कोई रोल बैक, यहाँ पे कोई अपडेट को कैंसिल करने की बात या फिर अबोर्ट ऐसी बात आएगी नहीं, और आप बढ़िया तरीके से विदाउट फॉलोइंग द कैस्केडिंग नेचर आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। बार बार रोल बैक करना नहीं पड़ेगा, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम यार। कैस्केडिंग में आप देखोगे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ CPU एफिशिएंसी। आप बार बार रोल बैक कर रहे हो, वापस से एग्जीक्यूट कर रहे हो, रोल बैक कर रहे हो, इससे अच्छा भाई थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक जा, इसको कमिट करने दे फिर तू रीड कर, इसको कमिट करने दे फिर तू रीड कर। इस तरीके से आप कैस्केडिंग शेड्यूल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ आपको पसंद आ गया होगा, आपके एग्जाम में मैंने थोड़ा सा भी अपना 1% का भी अगर कंट्रीब्यूशन कर दिया होगा, तो थोड़ी मेरी भी मदद कर दो, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग। मैं चाहता हूं कि मेरा हर वीडियो एक मदद के रूप में आप तक पहुंचे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।